Hello everyone. Chapter number 4 on Political Science, CBSE NCERT book. Chapter ka naam hai Alternative Center of Powers. World politics mein sabhi chapter lagbhag aapas mein correlate karte hain. Jaise ki first chapter ka naam tha Cold War, usme do superpower ke beech mein tension thi. Second chapter tha Disintegration of USSR. जब एक पावर बिखर जाएगी, टूट जाएगी, उसके बाद एक बच जाएगी. थर्ड चैप्टर में पढ़ा हमने यूएस हेजमनी, यानी कि सिंगल पावर थी, यूनिपोलरिटी. तो उससे जुड़ा हुआ है, जब सिंगल पावर थी यूएसए, उसकी पावर जब बढ़ गई, हेजमनी बढ़ गई उसकी, ज़्यादा हो गई, तो उसको रोकने के लिए कुछ ग्रुप बनते हैं और ग्रुप जो है मिलकर यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े संगठन बनाएंगे, जिसका नाम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे कि एक तो होगा यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, और सेकंड होगा आसियान कंट्री का, और थर्ड जो है चाइना के बारे में पढ़ेंगे, उसका भी यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है. ठीक है, तो तीनों क्या है, अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर है, यानी कि पावर से पहले यूएस के पास है जो, उसके अल्टरनेट यहाँ पे अब बन चुके हैं पावर के सेंटर ग्रुप में. ठीक है, और चाइना अकेला ही बन रहा है. तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी नीचे आ जाओ. पहला जो चैप्टर है, पैराग्राफ, वो है यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन कैसे बनी, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, कब हुई, क्या इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम एक ही जगह से उठाएंगे. और वो दे रखा है नीचे हमने यहाँ पर, ये है टाइमलाइन दे रखी है सारे की सारी एक जगह पे. ये मैप भी दे रखा है यहाँ पर कि किस तरह से जो है यूरोप की कंट्री ईस्टर्न और वेस्टर्न बाद में इकट्ठी होकर एक ग्रुप बना लेंगे, उसको कहा जाएगा यहाँ पर यूरोपियन यूनियन. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कंट्रीज है ना सारी की सारी, ये वाली ये है स्कैंडिनेवियन कंट्री है सारी, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह. ठीक है, और ये जो तीन कंट्री हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये है बाल्टिक कंट्री, क्योंकि यहाँ पर क्या है बाल्टिक सी है ये वाला. तो थ्री कंट्री हैं ये वाली, सबसे पहले यूएसएसआर से अलग यही हुई थी. ठीक है, ये वाली एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया. तो यहाँ पर ये पूरे दे रखा है, यहाँ पे दोनों जो ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री सारी मिल के एक ग्रुप बनाएंगी, अपने झगड़े भूल जाएंगी. ठीक है, तो सबसे बेस्ट है ये ग्रुप बना के उन्होंने अपना डेवलपमेंट यहाँ पे किया है. ओके, तो ये है टाइमलाइन यूरोपियन यूनियन के लिए, किस तरह से इंटीग्रेट हुआ, पूरा यूरोप इकट्ठा हो गया. देखो खास बात क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी यूरोप में डिवीजन था, टू पार्ट्स में डिवाइड थे, दो अलग अलग ब्लॉक थे. सेकंड वर्ल्ड वार में भी यूरोप के अंदर जो है यहाँ पे डिवीजन था, और अलग अलग पावर्स ब्लॉक बने गए थे, और आपस में लड़े थे बाउंड्रीज के लिए, छोटे छोटे जो है यहाँ पे झगड़े हुए थे, डिस्प्यूट हुए थे, आर्मी आर्म रेस वगैरह बने थे, हिटलर था, मुसोलिनी था. ठीक है, तो लेकिन देखो जल्दी ही उन्होंने क्या किया, अपने सारे डिस्प्यूट सोल्व कर लिए, उनका सेम कल्चर है वहाँ पे लगभग, और छोटी छोटी कंट्री हैं. इसका फायदा ये हुआ कि सभी आपस में यहाँ पे क्लोज आई, कोऑपरेशन किया, और यहाँ पे क्या बना दिया, एक नया ग्रुप बना दिया, यूरोपियन यूनियन. अब बीच में उनके कुछ भी बाउंड्री यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है. देखो ट्रेडिंग फ्री है, तो बहुत सारा बेनिफिट यहाँ के पब्लिक को मिला है, और यहाँ पर जो है वीज़ा वगैरह की जरूरत भी नहीं होती. एक कंट्री का है अगर आपके पास, तो सभी कंट्री में घूम सकते हो, 28 कंट्री है. तो ये टाइमलाइन है यूरोपियन यूनियन का, यहीं से सारे हम क्वेश्चन उठा लेंगे या फिर पॉइंट उठा लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं. फर्स्ट क्या है, देखिए हमने जब स्टार्ट किया था, कंट्रीज ये सारी थी उस टाइम पे, सबसे पहले क्या बनाएंगे ये लोग, ये बनाएंगे यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे पहले इकोनॉमिक कोऑपरेशन का. ठीक है, और इसके बाद बनेगा सिस्टम यहाँ पे सारा. तो फर्स्ट जो हम देख रहे हैं इसको, ये है वो. ठीक है, 1957 में क्या हुआ था, सिक्स कंट्रीज थी, वो साइन करेंगे ट्रीटी को. ठीक है, रोम की ट्रीटी कहते हैं इसको, ट्रीटी ऑफ रोम्स. अगर क्वेश्चन आता है व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ रोम, ये वाला है. तो क्या था ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ रोम क्या था, सिक्स कंट्री ने साइन किया था, क्या था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाने के लिए. ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ की थी 1957 में. ओके जी, तो यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, यूरोपियन यूनियन कंट्री साथ में आएंगी, सिक्स कंट्री यहाँ पे आ गई, और भी आएंगी धीरे धीरे, बहुत सारी कंट्रीज हो जाएंगी. ठीक है, देखो यहाँ पे ये ज्वाइन कर रही है ना, यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन कर रही है सारी कंट्रीज, डेनमार्क, आयरलैंड, यूके. अब यहाँ पे जो है
यूरोपियन पार्लियामेंट का ट्राई किया जाएगा, तो बहुत सारे जो है यहाँ पे ज्वाइन करते जाएंगे और बाद में जो है एग्रीमेंट होते जाएंगे लास्ट में। यानी एक प्रोसेस के तहत यहाँ पर क्या हुआ है, यूरोपियन यूनियन का इंटीग्रेशन हुआ है, फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, धीरे धीरे हुई है, स्लोली स्लोली, एकदम से नहीं हुई। देखो यहाँ पर दे रखा है कि एक सांगेन एग्रीमेंट था, ये क्या था, सांगेन एग्रीमेंट, ये इसने क्या किया, अबोलिश्ड बॉर्डर कंट्रोल, जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं इन सब के बीच में बॉर्डर को कंट्रोल करना छोड़ दिया, अबोलिश करके ख़त्म कर दिया, बॉर्डर को ओपन किया गया, वीज़ा फ्री बाउंड्री कर दी इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ध्यान रखना सांगेन एग्रीमेंट था ये। तो ये है अलग अलग कंट्री यहाँ पे होंगी, और फिर जैसे ही यहाँ पर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होगा उसके बाद तुरंत ही 1992 में जो है यूरोपियन यूनियन यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएगी 7 फरवरी को, ठीक है, ये वाली, ओके। द ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच्ट, मास्ट्रिच्ट की जो ट्रीटी है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन किया जाएगा, किसके लिए, यूरोपियन यूनियन की इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक। तो सभी ट्रीटी आपने याद करनी है और कैसे कैसे ये बना, फॉर्मेशन हुई, लगभग मेन मेन कंट्री आपने देख लेनी इसके अंदर कौन सी है। यूरो इनकी करेंसी है, देखो ये रहा, इंट्रोड्यूस किया गया इसको 2002 में, ठीक है, यानी कि एक करेंसी, एक फ्लैग, एक कल्चर, एक बाउंड्री, इन्होंने सब कुछ क्या किया, अपना बना लिया इस तरह से, यूरोपियन यूनियन का कॉमन कल्चर के तहत बना लिया इसको, ओके। तो बहुत सारे न्यू कंट्री भी इसमें शामिल होती है यहाँ पर, और आगे आगे बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं, ईयू के बारे में बेस्ट पॉइंट यहाँ पर आप उठा सकते हो। इसके अलावा हम जो है कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर थे वो एक मार्शल प्लान आता है ऊपर, वो देख लेते हैं मार्शल प्लान ने क्या भूमिका निभाई थी इसके अंदर, ठीक है, ये वाला है। तो ये था मार्शल प्लान, ये क्या था, आपको याद होगा ना, जब दो पावर ग्रुप थे यहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर का, और यूरोप में डिवीज़न हो गया था ईस्टर्न और वेस्टर्न में, तो क्या किया यूएसए ने, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को रोकने के लिए एक डॉक्ट्रिन बनाया पहले, उसके बाद फिर एक प्लान बनाया मार्शल प्लान, और मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग क्या किया, यूएसए ने इकोनॉमिक ऐड दी थी इन कंट्रियों को, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रियों को, ठीक है। तो यहाँ है देखना, देखो अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप इकोनॉमी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड द मार्शल प्लान, ये है मार्शल प्लान, यहाँ से लेके अपने यहाँ तक जो है ये लिख देना सारा, ठीक है, ये था, आगे समझ में, ये तो था मार्शल प्लान केवल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए था, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के लिए, ध्यान रखना यूएसए ने हेल्प की थी। और ये था सेकंड वाला है नाटो, नाटो क्या था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी थी, किसके लिए, ये थी सिक्योरिटी के लिए थी, ठीक है, दो है अलग अलग प्लान, एक सिक्योरिटी के लिए एक और एक इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी का वाला है मार्शल और नाटो क्या है सिक्योरिटी का है, यानी कि सब जो है कंट्री इसमें जो शामिल हैं वो एक दूसरे को मिलिट्री की हेल्प करेंगी, एक पे अगर अटैक हुआ तो सब पे अटैक माना जाएगा, ये पॉइंट जो मेन था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो कंट्री यहाँ पर इकट्ठी होती है वेस्टर्न यूरोपियन की उस मार्शल प्लान के थ्रू, तो वहीं से जो है यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद ही जो है यूरोपियन यूनियन के बारे में यहाँ पर बात चलेगी कि बनाया जाए, ठीक है। तो यही पॉइंट मैं बताना चाह रहा था, यहाँ अलग अलग लिख रखा है इसमें देखो यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक ही जगह पे लिख रखा है, ठीक है, तो आपका बेस्ट रहेगा वहाँ से उठाने का। अब ये देखना है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो क्या है, यूरोपियन यूनियन के यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव है खास, और इसने क्या यहाँ पे काम किया है वो देखना हमने, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन क्या है, यहाँ पर कोऑपरेशन है यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, किस चीज़ के लिए है वो कोऑपरेशन, यहाँ पर कोऑपरेशन है पहला तो है इकोनॉमिकली, ठीक है, दूसरा है यहाँ पर कि जो ट्रेडिंग के नियम है रूल्स हैं उनको भी यहाँ पर सॉफ्ट किया गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है आपस में, ठीक है। और यहाँ पर जो है खास बात क्या है, यहाँ इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, तो ये सब कुछ बातें यहाँ पर देखते हैं कि कितना इसका जीडीपी में रोल है, कितनी बड़ी इकोनॉमी इकट्ठी होकर बन गई है, वो सब हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, तो यूरोपियन यूनियन क्या है, अल्टरनेट है सेंटर का ये, क्योंकि जो पावर थी यूएसए की उसके खिलाफ या उसके जो अल्टरनेट के रूप में यहाँ पर जो ग्रुप बना है ये है अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर। यूरोपियन यूनियन हैज़ इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस, ठीक है।
ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, इसकी पावर दिखा रहे कितनी बड़ी इकोनॉमी है ये। ईयू इज द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, सबसे बड़ी है दूसरी, इससे पहले एक और है केवल। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखा है जीडीपी ऑफ द मोर देन 17 यूएस डॉलर ट्रिलियन 2016, इतनी बड़ी जीडीपी थी इसकी इस टाइम पे 16 में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के बाद जो है सेकंड बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएसए, इसके बाद ये है, फिर चाइना वगैरह आता है। जो करेंसी है यूरो, ये क्या है, ये यूएस डॉलर का जो डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में, आपने पढ़ा है ना, जो क्या स्ट्रक्चर हेजमनी ऑफ यूएसए, वो था जो डॉलर, तो डॉलर का जो डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में, उसके खिलाफ भी क्या है ये एक है, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन क्या यूरो एक अल्टरनेट बन के उभरा है, ठीक है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। आगे क्या है यहाँ पर दे रखा है कि जो वर्ल्ड ट्रेडिंग में शेयरिंग है इसका, वर्ल्ड ट्रेड में शेयर क्यों इसका है ईयू का, वो भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, किससे, यूएसए से भी ज़्यादा है इसका रोल, यानी जो वर्ल्ड में ट्रेडिंग होते हैं ना, सारे बिजनेस होते हैं, उनमें ईयू ग्रुप के रूप में आगे है यूएसए से, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर देन व्हाट ऑफ द यूएसए, ओके। और क्या यहाँ पर जो है यूएस और चाइना के जो डिस्प्यूट थे उनके ऊपर जो है ये जो अपना यूरोपियन यूनियन बनाया गया है, इसने क्या किया, सभी डिस्प्यूट को यहाँ पर अपने प्रभाव के दम पर, अपने इन्फ्लुएंस के दम पर निपटाने की कोशिश की है, क्योंकि इकोनॉमी बड़ी है इसकी। अब सभी इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एशिया और अफ्रीका में जो मार्केट है या जो नेबर कंट्रीज हैं आसपास की, सभी यूरोपियन यूनियन से हाथ मिला रही है, फ्री ट्रेडिंग कर रही है हर तरफ से, ठीक है, हम भी बहुत बड़े पार्टनर हैं ईयू के। तो यहाँ पर दे रखा है कि इन्होंने एक क्या किया, यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल है, जिसके पास क्या है परमानेंट सीट है यूनियन काउंसिल के अंदर। तो क्या यह पावर दिखा रखी है कि यूरोप में जो है तीन पावर हैं जिसके पास यहाँ पर क्या है, जो P5 मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के यूएन के, उनमें से दो तो ये हैं ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है, और एक था यूएस रशिया और एक यूएसए और एक चाइना है, ठीक है, पांच है, लेकिन दो तो ये यूरोपियन यूनियन में है, इसलिए इसका क्या है मजबूत हो गया, यूएन के अंदर भी रोल काफ़ी मजबूत है, अपनी आवाज़ उठा सकता है अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है नॉन परमानेंट मेंबर बहुत सारे हैं इसके अंदर इंक्लूड हैं सिक्योरिटी काउंसिल में यूरोप के। इसके बाद जो है जो यूएस की पॉलिसीज है और जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह था उनके ऊपर भी जो है इसने यूएनओ में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, यानी कि यूएनओ में एक बड़ी आवाज़ बन के उभरी है इकट्ठे होने के बाद, तो इसमें ज़्यादा क्या आगे पावर आ गई है और ये अल्टरनेट बन गया है पावर का, सेंटर ऑफ पावर का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है डोमिनेंस था, हेजमनी थी यूएसए की, वो यहाँ पे कम करेगा ये ग्रुप, और एक बनेगा आसियान, वो भी कम करेगा। तो यहाँ पर जो है मिलिट्री के रूप में देख लो, मिलिट्री जो है यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड आर्म फोर्सेज आर द सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, दूसरे नंबर की मिलिट्रीज की यूरोपियन यूनियन इकट्ठे होने के बाद, ठीक है। देखो कहाँ तो ये आपस में लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वार में, फर्स्ट में, कहाँ देख लो इकट्ठे हो गए, सबसे बड़ी फोर्स बना ली। तो क्या है एकता में, यूनिटी में बहुत बड़ी पावर होती है। अगर ऐसे ही जो ये कंट्री है हमारी इंडियन साउथ एशिया की सारी इकट्ठी हो जाएं तो बहुत बड़ी पावर बन जाती है, अभी बड़ी मार्केट, बड़ी पॉपुलेशन, बड़ी डेमोक्रेसी, बड़ी मिलिट्री पावर, न्यूक्लियर पावर, तो यहाँ पे फिर भी बहुत बड़ी पावर हमारी बन जाती है, लेकिन हम यहाँ पे सुधरेंगे नहीं। ओके यहाँ पे क्या है डिफेंस जो है यहाँ पे सेकंड है यूएस के बाद, सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा डिफेंस यूएसए का, ध्यान रखना सेकंड नंबर पे यूरोपियन यूनियन है इकट्ठी कमांड होने के बाद, ठीक है, वैसे चाइना है। और टू मेंबर जो है वो किसके पास का न्यूक्लियर बम है, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस के पास क्या है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भी है, साथ में न्यूक्लियर हथियार भी इसके पास है, बहुत बड़े बड़े हथियार हैं यहाँ पर दे रखे, 550 न्यूक्लियर जो है वॉर हेड बहुत बड़े यहाँ पर दिखा रखे हैं, बहुत बड़ा जखीरा है हथियारों का इनके पास, न्यूक्लियर बोम है 550। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम और क्या है यहाँ पर, सो सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूरोपियन यूनियन बनाया गया है, इसमें इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल एरिया था, अब क्या है इसके ऊपर, अब ये लगभग जो है अपना फॉरेन रिलेशन और डिफेंस पॉलिसी को भी मेंटेन कर रहा है साथ में।
अब ध्यान देना है, यहाँ पर दिखा रखे मिलिट्री की पावर दिखा रखी है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो कंट्री है ना वो अपने डिसीजन खुद भी लेती हैं एज इंडिविजुअल कंट्री, ठीक है। जैसे कि ब्रिटेन ने लिया था कि ब्रिटेन जो है वो यूएस के साथ ही रहता है, ठीक है। तो ब्रिटेन क्या किया, जो इसके पीएम थे टोनी ब्लेयर, उसने यूएस की पार्टनरशिप की थी इराक इन्वेशन के दौरान, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जो दो कंट्री है यूरोपियन यूनियन की वो अलग हो गई थी, कौन कौन सी थी, वो जर्मनी और फ्रांस थी, ये वाली, ठीक है, ये रहा, ठीक है। जो कोलिशन ऑफ विलिंग हमने देखा था ना कि इराक को क्या करेंगे, हथियार बना रहा है, ख़त्म करेंगे, तो उसको जर्मनी फ्रांस नहीं थी शामिल, उसमें केवल ब्रिटेन थी, यहाँ से और भी थी बहुत सारे, लेकिन ये नहीं थी जर्मनी फ्रांस। और क्या है इसमें, अमेरिकन जो यहाँ पर पॉलिसी है उसको रोकने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। और अगर देख लेते हैं इसमें ये दिखा रखा है, यहाँ पर एक प्रयास किया गया था, ट्राई किया गया था किसको, यूरोपियन यूनियन की एक यहाँ पर पार्लियामेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया गया था, ये कार्टून के थ्रू दिखा रखा है, लेकिन वो बना नहीं, ठीक है। यानी सिंगल फ्लैग सिंगल करेंसी तो है यहाँ पे, सिंगल आर्मी है सिंगल यहाँ पे, लेकिन पार्लियामेंट और यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन इकट्ठा बनाने का ट्राई किया गया कि सभी कंट्री है यूरोपियन यूनियन की वो एक ही तरह के रूल होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो वो नहीं बन पाया, उस पर बात चल रही है, ठीक है, फेल हो गया। देखो यहाँ पे आगे देखते हैं जो है यूरोप, अब यहाँ पे क्या है उसका एजेंडा क्या है, ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर मार्च, ब्रिटेन शुरू से ही अलग थलग है इससे थोड़ा सा, वो इसमें शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि ब्रिटेन पर प्रभाव है यूएसए का, और यूएस में और ब्रिटेन में दोनों में जो है अंग्रेजी लोग हैं, अंग्रेज वहाँ पे भी यहाँ पे भी हैं, ब्रिटेन से गए हुए लोगों ने ही यूएसए बचाया था। तो ब्रिटेन के फॉर्मर जो मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर, उन्होंने क्या कहा था, यूके को यूरोपियन यूनियन मार्केट से अलग ही रखा था। ये है अगर क्वेश्चन आ जाए, व्हाट वाज द रोल ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर इन ब्रिटेन इन ईयू, तो ये क्या करेगी, ये तो क्या करेगी, यूरोपियन मार्केट से यूके को आउट रखती है, कीप आउट रखेगी, अलग रखेगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट देना आपने, ठीक है, ओके। जो डेनमार्क है स्वीडन है वो क्या नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे कि एक तो हमारी जो यूरो करेंसी है वो हमारी एक नहीं होनी चाहिए, डेनमार्क स्वीडन और यूके इन तीनों ने मना कर रखा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कौन सी करेंसी है, यूके यूरो है, लेकिन यूरो किसी में नहीं चलती या किसी ने ठुकरा दी, किसी ने अपोज किया इसका, यूके ने, डेनमार्क ने, स्वीडन ने इसका विरोध किया कि हम क्या है यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो को नहीं मानेंगे, हम उन्हें अपने चलाएंगे वहाँ पे जो है, ठीक है। और क्या यहाँ पे कॉमन यूरोपियन करेंसी थी यू की, हमने देख लिया इस चीज़ को यहाँ पर, लेकिन डिफेंस के फॉर्मेशन के हमारे लगभग ठीक ठीक से यहाँ पे आपस में रिलेशन है। अब है यहाँ पर दूसरा है आसियान, तो हमने देखो यूरोपियन यूनियन के बारे में यहाँ पर हमने एक ही टाइमलाइन में सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, और कौन कौन सी ट्रीटी हुई वहाँ पे एक पॉइंट अलग पॉइंट दे रखे बना बना के, और पावर दिखा रहा है कितनी बड़ी है इकोनॉमी में मिलिट्री में यूरोपियन यूनियन, ओके जी। और यहाँ पर दिखा रखा है सेकंड जो अल्टरनेट बनता है वो है आसियान, ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, फुल फॉर्म आएगी इसकी, ये वाली है फुल फॉर्म, वन मार्क्स ही आती है। आसियान क्या है, आसियान वे क्या है, आसियान के रिलेशन कैसे हैं इंडिया से, इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किस किस से, चाइना का क्या रोल है इसके अंदर, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। तो आसियान देख लेते हैं कौन सी कंट्री है पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की भूमिका दिखा रखी है कि यहाँ पे यूरोपियन कंट्री की और जापान की यहाँ पे कॉलोनी थी पहले साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में, पहले देखते हैं कौन सी कंट्री यहाँ पर इन्वॉल्व है, ओके। साउथ ईस्ट एशिया में लगभग 10 कंट्री हैं अभी, और ये क्यों बना बताया जा रहा है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यहाँ पर नॉन अलाइन मूवमेंट बना था वो इतना प्रभावशाली नहीं रहा, इनइफेक्टिव रहा वो, ठीक है। इसीलिए जो है एक नए यहाँ पर ग्रुप की जरूरत पड़ी, रिक्वायरमेंट हुई, वो था आसियान। अब आसियान सक्सेसफुल रहा अपने एरिया में, बहुत ही ग्रो किया इसने, इतना सार्क ने नहीं किया, ना ही यहाँ पर जो है हमने बनाया था नाम उसने किया। तो ये देख लो, ये है मैप, साउथ ईस्ट एशिया का मैप है, ये पैसिफिक सी है, ओशियन है बहुत बड़ा, इधर है ये चाइना, इधर म्यांमार है, और ये है इंडिया इधर, ठीक है, ये वाला इंडिया है यहाँ पर दिखाने रखा। तो ये म्यांमार है हमारा पड़ोस बाउंड्री लगती है, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये है हमारे पार्ट है।
सेवन सिस्टर वाले असम वगैरह। तो ये है साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री इंडिया शामिल नहीं है, ध्यान रखना चाइना शामिल है। साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया चाइना शामिल नहीं है, 10 कंट्री है ये वाली। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के जो मिला के बनती है कौन सी है, देखो म्यांमार है, थाईलैंड है यहाँ पर, और ये कंबोडिया है, ये यहाँ पर आ गया मलेशिया, यहाँ पर आ गया इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सभी कंट्री जो है यहाँ पर मिली हुई हैं, फिलीपींस, ये सभी कंट्री यहाँ पर 10 कंट्री मिल के यहाँ पर बनाती हैं आपका साउथ ईस्ट एशिया। ओके, एंड आगे चलो देखते हैं इसमें क्या है यहाँ पर दे रखा है लिख के, आसियान का यहाँ पर दे रखा है पॉइंट। अब देखो ये क्या है, अल्टरनेट है, किस चीज़ का अल्टरनेट है, पावर का अल्टरनेट बनाया गया है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, आसियान नाम रखा है। इस्टेब्लिश कब हुआ, 67 में हुआ, किसने किया, फाइव कंट्रीज ने किया, क्या नाम था, यहाँ से उठाना है अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज आसियान। ठीक है, तो इस्टेब्लिश कब हुआ, 67 में, कौन सी कंट्री थी, पहले पांच कंट्री शामिल हुई, पांच बाद में शामिल होंगी। फर्स्ट फाउंडिंग फाइव कंट्रीज हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ओके जी, इनको याद करना है आपने। ओके, इसके बाद जो है यहाँ पर ये साइनिंग करेंगे बैंकॉक डिक्लेरेशन पे। अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ये क्या है क्वेश्चन है, व्हाट वाज बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है, क्या था, इसके साइन होने के बाद ही आसियान बनाया था, यानी कि बैंकॉक है मलेशिया में, मलेशिया की राजधानी है यहाँ पर बैंकॉक, ये थाईलैंड की, और यहाँ पर जो है बैंकॉक में आसियान के पांच कंट्रीज की मेंबर की मीटिंग हुई, उन्होंने साइन किए और उन्होंने बनाया आसियान। और इसके बाद क्या हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हुआ देख लो, यही क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज आसियान एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा 6 मार्क्स का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख लो, आसियान वर प्राइमरली टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रो दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट डालना आपने ये वाला है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आसियान क्यों बनाया, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनाया है, इकोनॉमिक ग्रोथ के सहारे क्या करेंगे यहाँ पे, सोशल प्रोग्रेस करेंगे और कल्चरल डेवलपमेंट भी करेंगे, ठीक है, 10 कंट्रीज मिलकर काम करेंगे। सेकंड के ऑब्जेक्टिव का वाज द प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, यहाँ के क्या किया भाई, पीस रखना अपने एरिया में, झगड़ा करेंगे तो छोटी छोटी कंट्री हैं खत्म हो जाएंगे, इसलिए कोऑपरेट करो, पीस रखो, स्टेबिलिटी रखो और इकोनॉमिक ग्रोथ के सहारे सोशल प्रोग्रेस करो, ये मेन चीज़ है यहाँ पर ध्यान रखना, बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, इसको बोलते हैं आसियान वे यहाँ पे जो आएगा। तो ये जो है प्रमोट रीजनल पीस स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, ध्यान रखना रूल ऑफ लॉ क्या होता है, कानून का शासन होता है रूल ऑफ लॉ, इसके इस रूल के बेस्ड इसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, पीस रखेंगे और स्टेबिलिटी रखेंगे, ध्यान रखना जो रूल बना रखे ना उन पर चलना है, और प्रिंसिपल का यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएनओ ने जो बना रखा है ना शांति के लिए स्टेबिलिटी के लिए जो रूल बना रखे हैं, रूल ऑफ लॉ बना रखे हैं, उनको मानते हुए हम क्या करेंगे अपने एरिया में प्रमोट करेंगे शांति को, ठीक है, ये है। इसके बाद जो है ये पांच कंट्री और शामिल होंगी, ये लिख लो नाम, पांच ऊपर दे रखे थे, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, और यहाँ पे आ गई ये पांच कंट्री और, ये कौन सी हैं, ब्रुनेई साथ में उसके, दारुल इस्लाम, वियतनाम ऊपर है, लाओस, म्यांमार, बर्मा और कंबोडिया ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि हमारे बाउंड्री के साथ किसकी बाउंड्री लगी है, आसियान की लगी है, क्योंकि म्यांमार हमारा नेबर कंट्री है, बाउंड्री टच होती है, और ये है इसका लोगो या फ्लैग जो है आसियान का यहाँ पर, ये वाला 10 कंट्री के नाम से 10 यहाँ पर जो दे रखी है, क्या है यहाँ पर दे रखा हुआ, ये है सर्कल ऑफ सिंबल्स यूनिटी ऑफ आसियान, ठीक है। तो ये है राइस यानी पैडी की जो यहाँ पे स्टक दे रखी है यहाँ पे 10, ठीक है, ये वाली है, तो धान की बालियाँ दे रखी हैं इस तरह से, धान की झाड़ी लगा रखी है 10, उनके अकॉर्डिंग रखा। अब देख लो इसका क्या है, ये जो है यहाँ पर सीन है कि आसियान वे क्या होता है, आपने वहाँ देखा, यहाँ पे बताते हैं, अनलाइक द यूएई इज द लिटिल डिजायर्ड आसियान स्ट्रक्चर, आसियान स्ट्रक्चर, आसियान कंट्री है डिक्लेयर सेलिब्रेटेड, देखो ये वाला हुआ क्वेश्चन, आसियान कंट्रीज है सेलिब्रेटेड, व्हाट हैज बिकेम आसियान वे ए फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इनफॉर्मल नॉन कॉन्फर्मेशन एंड कोऑपरेटिव
यानी कि यहाँ पे क्या है आसियान वे, किसको कहा जाएगा अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज आसियान वे, तो ये है आसियान वे, देखो ठीक है, नोन एज आसियान वे, क्या ए फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन, ऐसी हम इंटरेक्शन रखेंगे आपस में जो इनफॉर्मल होगी। फॉर्मल क्या होती है, फॉर्मेलिटी करना भाई, ठीक है, लेकिन ये क्या इनफॉर्मल है, कभी भी हम जो है किसी तरह पे जो है यहाँ पे मीटिंग करके डिसाइड कर सकते हैं कोई भी तरह का जो ट्रेडिंग के रूल्स वगैरह या फिर ऐसे, ठीक है, इनफॉर्मल होना, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे कि कॉन्फ्रोनेशनिस्ट होता है और एक होता है कोऑपरेटिव, यानी कि आपस में हम क्या करेंगे यहाँ पे झगड़ा नहीं करेंगे और यहाँ पर क्या है कोऑपरेट रखेंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन पॉइंट दे रखे हैं, इसको बोलते हैं आसियान वे, ओके जी। तो रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेनिटी, ये भी मेन पॉइंट है यहाँ पे, आप इसको इसके मेन ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं, इसको आसियान वे को भी, ठीक है। और साथ में ये है जो मेन पॉइंट है कि हम आपस में कोऑपरेशन करेंगे यहाँ पे, यानी कि इंटरेक्शन रखेंगे, बातचीत करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो नेशनल सॉवरेनिटी है ना, अपने अपने जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, संप्रभुता है, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, आपस में रिस्पेक्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है ये वाला भी, द रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेनिटी इज क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ आसियान, ठीक है। तो सॉवरेनिटी आपस में इसकी रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है, तभी आगे बढ़ेगा। आगे क्या है, विद सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो किया है इकोनॉमी ने किसको, इसको आसियान वर्ल्ड, ठीक है। तो आसियान की जो 10 कंट्री है बड़ी तेजी से आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, बाहर की कंट्री यहाँ से इंडिया से भी कर रखा है, चाइना से भी, जापान से भी, कोरिया से भी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह उधर से भी कर रखा है, तो ये बड़े तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है चीज़ें, ठीक है, ये वाली। और जो सोशल और इकोनॉमी है इसका आसियान का बहुत बढ़ गया है, लेकिन ये इतना नहीं हुआ, कम है ईयू से, तो फिर भी ठीक है कुल मिला के। तो आसियान कम्युनिटी के तीन पिलर दे रखे हैं यहाँ पे, वो कौन कौन से है वो भी यहाँ पे देखना हमने। आसियान कम्युनिटी कंप्राइज थ्री पिलर, नेमली एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक और एशिया अफ्रीकन एसोसिएशन कल्चर वाले, तीन तरह के आसियान पिलर हैं। क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में, व्हाट इज आसियान पिलर, थ्री पिलर के नाम लिखने होते हैं अपने, इसमें कौन से हैं वो थ्री देख लो, ये रहा आसियान कम्युनिटी या फिर सिक्योरिटी कहते हैं इसको, ठीक है। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी फर्स्ट वाला है पिलर, सेकंड है आसियान इकोनॉमी, यानी कि सिक्योरिटी के लिए एक, इकोनॉमी के लिए एक, कल्चर के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो तीन तरह के पिलर बना रखे हैं, ये पिलर भी हर बार आते हैं लगभग क्वेश्चन के अंदर, ओके जी। और यहाँ पर है ये आपका, मैंने बता दिया लोगो था, फ्लैग था, और इंडिया पार्ट नहीं है इसमें, ध्यान रखना, आसियान कंट्री में सार्क में है इंडिया, तो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया वाले में है। अब जो ये आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी है ना, वो कैसे बेस्ड है, वो है कन्विक्शन पे, दैट द आउटस्टैंडिंग टेरिटरी डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड, यहाँ कहा गया कि जो भी डिस्प्यूट है ना बाउंड्री के, वो हमने आपस में मिल बैठ के बात से सुलझाने हैं, यानी कि मिलिट्री का यूज नहीं करना टेरिटोरियल डिस्प्यूट के अंदर, ओके जी, आर्मी नहीं लेके आनी। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, देखो ऐसा अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए इंडिया पाकिस्तान का और कहीं भी बात सुलझाएंगे तो वो नहीं मानेंगे, क्या तो हम भी ना माने, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो ये है इसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी है, बेस्ट पॉइंट भी है, और ये हमने बताया कि बाउंड्री को कैसे सोल्व करते हैं, ये सिक्योरिटी का पिलर है जो पहले वाला ये है, ठीक है। इन्हें एग्रीमेंट किए हैं, किस चीज़ें किए हैं, जो स्टेट हैं वो अपनी पीस को, न्यूट्रलिटी को, कोऑपरेशन को, नॉन इंटरफेयर को, रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल डिफरेंसेस को, सोवरेन को, राइट को, इनको आपसे मानेंगे। अब ये भी इनके क्या है, यहाँ पर अगर आप कहो तो ऑब्जेक्टिव मान लो, एम मान लो इनके, ये वाले भी कह सकते हो, सारे पॉइंट एक जगह लिख रखे हैं, क्या पीस, शांति बहुत बड़ी चीज़ है, तभी वहाँ पर क्या होगा आपस में लोग कोऑपरेट करेंगे, तभी ट्रेडिंग बढ़ेगा, न्यूट्रल रहेंगे। अगर मान लो एक 10 का ग्रुप है ना, एक कंट्री में मान लो इंटरनल कुछ वहाँ पर डिस्प्यूट है, तो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, न्यूट्रल रहेगा भाई, उसकी अपनी प्रॉब्लम है वो अपने आप सोल्व करेगा, अगर वो बुलाएगा बात करने के तब करेंगे, कोऑपरेट करेंगे भाई, ठीक है, इंटरफेयर नहीं करेंगे, वही है न्यूट्रल वाली बात है, नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के दखल में नहीं देंगे, ठीक है।
और रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस, भाई एक कंट्री के दूसरी कंट्री से आपस में डिफरेंस तो होते ही है ना, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट भी करेंगे नेशनल डिफरेंसेस को, यानी कि किसी का कल्चर अलग अलग है सबका, लैंग्वेज भी अलग अलग है इनकी सबकी, लेकिन फिर भी इकट्ठे यहाँ पे काम कर रहे हैं। और सोवर्स में मैंने बता दिया जो संप्रभुता है, राइट है इंडिपेंडेंस का, वो भी ये भी माना जाएगा। तो ये मेन मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सारे के सारे दे रखे हैं। ओके, आसियान रीजनल फॉर्म, ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज एआरएफ, आसियान रीजनल फॉर्म क्या है, ये इसी के अंदर आसियान में ही इस्टाब्लिश की गई थी ये वाली 94 में, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि जो कोऑर्डिनेशन है ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, इस पर काम यहाँ पे किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। रीजनल फॉर्म बनाई गई है, इस्टाब्लिश हुए थे इस टाइम पे। इसमें क्या होता है, जो हमारे सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी है ना इन 10 देशों की, उन्हें कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। यानी मान लो अगर किसी एक कंट्री ने इंडिया से फ्री ट्रेड कर लिया तो सभी क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, भाई हम भी कर लेते हैं फॉरेन पॉलिसी ऐसे ही सेम है। और सिक्योरिटी में भी सेम है, मान लो कोई इनका एक किसी ने अटैक कर दिया मिलिट्री का या किसी का दुश्मन है आपस में कोई, तो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, भाई ऐसा है शांति कर लो, कोई बात नहीं, ऐसी सी जो है ठीक नहीं, इस एरिया में पीस पे हमने मेंटेनेंस रखनी है, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या है, स्टार्ट हुआ था ये किससे, इकोनॉमिक से, लेकिन बहुत अब यहाँ पे क्या बन गया, रीजन के अंदर बहुत ही छोटी इकोनॉमी है, यूएस ईयू के बराबर, जापान के बराबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया इन्होंने ग्रोथ की है इकोनॉमिकल यहाँ पर एसोसिएशन बना के, ठीक है। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो क्या है, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के अलग अलग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दे दिए, ठीक है। एक मिलिट्री वाला था, सिक्योरिटी वाला दूसरा था, इकोनॉमी वाला, एक कल्चर वाला, तीन पिलर है ना, तो तीनों के अलग अलग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी दे रखे हैं, अगर तीनों के अलग अलग आ जाए तो यहाँ पे दे रखे हैं सबके। तो ये क्या है, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, आर टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट। इकोनॉमी में क्या होता है, एक मार्केट बनाएंगे इकट्ठी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, और प्रोडक्शन जो होगा वो जो है क्या करेंगे, अपने जो आसियान स्टेट है उन्हीं में जो है बेचेंगे, और बाहर जो है अलग अलग कंट्री से हमारे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस एरिया के काम करेंगे, और बाहर से भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है। ये है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, सोशल और इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, कॉमन मार्केट क्रिएट करनी पड़ेगी, वो उन्होंने की है। इसको बोलते हैं आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का पिलर। एक और आएगा कल्चर वाला, ठीक है। तो थर्ड वाला वो देख लेते हैं, एक यहाँ पे ये रह रहा है कि आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बना रखा है इन्होंने यहाँ पे, अगर इकोनॉमी में कोई डिस्प्यूट हो जाए ट्रेडिंग के कोई रूल के लिए, तो क्या हो जाएगा, उसको डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए बना रखा है, पिलर के अंदर ही एक और पिलर डाल रखा है, ये कौन सा है, आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट, डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार कर रखा है, मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है, रिसोल इकोनॉमिक डिस्प्यूट इन द रीजन, ठीक है, इस एरिया के अंदर। बड़ी अच्छी बात है, देखो छोटी छोटी कंट्री में कैसा बढ़िया काम कर रखा है। आसियान हैज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA फॉर इन्वेस्टमेंट लेबर एंड सर्विस। देखो हर चीज के रूल बना रखे हैं, अगर डिस्प्यूट हो जाए तो सोल्व करने के लिए मैकेनिज्म है, और हमने क्या किया FTA बना रखा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहेगा भाई इन्वेस्टमेंट के लिए, लेबर के लिए भी, एक तो सिर्फ मनी इन्वेस्ट करना, एक होता है लेबर को भी एक्सचेंज करना, ठीक है, ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि हमारे लेबर यहाँ ज़्यादा है आपकी तरफ भेज दें, आप हमारी तरफ भेज दें, सर्विस के लिए भी भाई सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ये वाले जैसे हमारे पास है ना बहुत सारी सर्विस है, कंप्यूटर की या कम्युनिकेशन की सर्विस है, एयरटेल आइडिया जियो वगैरह हैं, तो अच्छी हैं ये, तो इस तरह से जो है वहाँ पे भी है आपस में ये सहयोग करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना रखा है। ओके जी, वो यहाँ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूएस के साथ भी, इनका चाइना से भी है, हमारा से भी, इंडिया से भी है, ध्यान रखना, जापान से भी है। तो आसियान क्या है, यहाँ पर एक रैपिडली ग्रोइंग है इस एरिया के अंदर, छोटी कंट्री लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये हमारी पॉलिसी नेचर दिखाई जाएगी, पहले इसको देख लेते हैं, आसियान का हमारा जो एक और पिलर रहेगा था, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, एक आएगा विजन 2020, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। विजन 2020 हैज डिफाइन एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये क्या है,
क्वेश्चन आता है व्हाट इज विजन 2020, ये क्या है। आसियान जो 10 कंट्री है ना, उन्होंने बना रखा है एक विजन कि हम 2020 तक क्या कर देंगे, ठीक है, वो है 2020 का विजन। तो 2020 तो आ गई, तो इस तक हमने इन्होंने क्या डिसाइड किया था, वो किया है इंटरनेशनली जो कम्युनिटी के अंदर इसने या ट्रेडिंग के लिए जो डिसाइड किया था गोल, वो पूरा किया है इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो आसियान पॉलिसी है वो क्या है, यहाँ पर टू इनक्रेज नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट द रीजन, जो भी रीजन इस एरिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट, उनको क्या करेंगे, बातचीत से सुलझाने के लिए पॉलिसी को इनक्रेज करेंगे, यहाँ पे दे रखा है। ये तो है ही हमारा पॉलिसी, पहले ही बता रखा है, यहाँ पे दे रखा था पीस एंड सिक्योरिटी वाले में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, मिड द एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, देखो एक कंट्री कंबोडिया, उसमें झगड़ा हो गया था, तो मीडिएटर की था आसियान ने कहा कि देखो भाई ऐसा है, हमारी कंट्री है 10 में शामिल है, हम इकट्ठे होकर इसको सुलझा देंगे। तो कंबोडिया के कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया था इन्होंने, और तिमूर है एक वहाँ पे, ईस्ट तिमूर, उसको भी सुलझाया था। तो कोऑपरेशन किया, डिस्कस किया, मीटिंग की, और इन्होंने आसियान यानी 10 कंट्री आपस में मिल बैठ के डिस्प्यूट सोल्व कर लेती है। ओके, आगे है करंट इकोनॉमिक्स स्ट्रेंथ जो है आसियान की बड़ी अच्छी है, ट्रेडिंग के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में जो है आसियान इंडिया के साथ, चाइना के साथ इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, इकोनॉमी इनकी ग्रो कर रही है, हमारी पॉलिसी नीचे दिखा रखी है, हम देखेंगे अभी। लुक ईस्ट पॉलिसी पहले हमारी, अब है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये वाला है वो सरदार मनमोहन सिंह ने बनाई थी, लुक ईस्ट हमने मोदी ने बनाई, एक्ट ईस्ट। इंडिया हैज ट्राइड टू मेक अमेंड, अपनी पॉलिसी को अमेंड किया, इट साइन ट्रेड एग्रीमेंट विद 3 आसियान मेंबर। अब ध्यान देना, अगर रिलेशन आए इंडिया और आसियान के रिलेशन कैसे हैं, तो हमारे रिलेशन बड़े अच्छे हैं, हमने पॉलिसी बना रखी है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी ऐसी बना रखी है जो आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे, और ये वाली तो हमने अलग अलग जो है आसियान कंट्री से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। इसको यहाँ से नोट कर लेना कि किस किस कंट्री से, आसियान कंट्री से हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड शायद, ठीक है, तो 3 कंट्री कर रखा है। और ये वाला चैप्टर जो है इमेज, वो क्या है, सरदार मनमोहन सिंह पीएम थे, इन्होंने बनाई थी ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट कहते हैं इसको। तो ये कह रहे हैं कि उधर कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है, ये एज ए क्या खड़ा है, कराटे वाला बनकर खड़ा है, ये इसको तोड़ेगा, मानी जो कंपटीशन है उसको तोड़कर जो है ईस्ट में अपने ट्रेडिंग को बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी जो मनमोहन सिंह ने बनाई थी, उसको चेंज कर दिया किसने, नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसका नाम रख दिया, क्या इसका नाम रख दिया, एक्ट ईस्ट बना दिया, ठीक है, लुक ईस्ट का नाम बदल के एक्ट ईस्ट की वजह से, जैसे कि नाम चेंज किया प्लानिंग कमीशन का, नीति आयोग नाम चेंज किया, ऐसे ही सेम। ओके जी, आ गया, जो मैंने यहाँ पे कहा था कि जो है थाईलैंड है, थाईलैंड ही है, ठीक है, 3 कंट्री शामिल थी ये वाले, जिससे हम ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किससे, आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इफेक्ट में कब है, 2010 में हमने एग्रीमेंट किया है FTA आसियान से, ध्यान रखना, अलग अलग कंट्री से भी है और आसियान से भी कर लिया, फिर आगे हमने 2010 में। अगर क्वेश्चन आए हमने कब किया, तो हमने 2010 में आसियान से FTA को इफेक्ट कर दिया। अब क्या है, आसियान की स्ट्रेंथ है किस चीज़ की है, वो देखो, लाइन द इट्स पॉलिसी ऑफ इंट्रैक्शन, खास बात यह है कि इनका आपस में सहयोग है, इंट्रैक्शन कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है, कंसल्टेशन है विद मेंबर स्टेट, तो ये इनकी खास बात है, यही इसकी स्ट्रेंथ है, ये आपस में इंट्रैक्शन रखते हैं और कंसल्ट करते हैं मेंबर स्टेट आपस में, बात करके कोऑपरेट करते हैं, यही खास बात है। ओके, डायलॉग विद पार्टनर विद अदर नॉन रीजन ऑर्गेनाइजेशन, अगर माला सारक से बात करनी तो आपस में मिलकर करेंगे, क्या डिसाइड करें, फॉरेन पॉलिसी भी सबको सेम करना चाहते हैं, तो कुल मिला के जो है बढ़िया इसके अंदर जो ये ग्रुप है ग्रो कर रहा है, छोटी कंट्री हैं, पिछड़ी हुई थी, ये देखो मोदी जी यहाँ पे खड़े हैं, ये पहुँच के यहाँ पे आसियान इंडिया समिट 2018 वाला है जो नई दिल्ली में हुआ था, ये इसके बाद एक और हो चुका है, और यहाँ पे हुआ था थाईलैंड में, इंडिया से गया था मोदी, गया था वहाँ पे 3 दिन का मीटिंग थी, अभी हुआ 2019 नवंबर में, 7 दिसंबर में कब। तो ये है राइज ऑफ चाइना, तो उसको हमने पढ़ाया यूरोपियन यूनियन को, फिर पढ़ा हमने आसियान को, और ये हम पढ़ रहे हैं चाइनीज इकोनॉमी कैसे राइज होगी, फिर हमारा रिलेशन कैसे होंगे चाइना से, इंडिया के रिलेशन, और
इसको हम देखते हैं अभी चाइनीज इकोनॉमी ने कैसे ग्रो की, हम पीछे कैसे रह गई। ठीक है, तो ये क्या है, देखो दे रखा है कि चाइना पहले भी क्या था, पिछड़ा हुआ था। ठीक है, इसने अपनाई थी पॉलिसी किसकी, जो यूएसएसआर मतलब सोवियत सिस्टम था ना, उसको अपनाया था इसने पहले। लेकिन जैसे वहां पे शॉक थेरेपी हुई ना, वैसे नहीं किसने, इसने अपने ओपन पॉलिसी अपनाई थी, ओपन डोर पॉलिसी। अब इसको पढ़ेंगे, चाइना इंडिपेंडेंट कब हुआ था, ध्यान आपको, चाइना हुआ था 1949 में ब्रिटेन से, और हम पहले हो चुके थे उससे। तो देख लेते हैं एक बार, हमारा पड़ोसी है, इकोनॉमिक पावर है वर्ल्ड की उभरती हुई। ठीक है, वर्ल्ड अबाउट द राइज ऑफ चाइना एंड इकोनॉमिक पावर। ठीक है, चाइना आज इकोनॉमिक सिंस 1978 हैज बीन लिंक्ड इस राइज ऑफ ग्रेट पावर। जो 1978 में रिफॉर्म किया था इसने, उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला इसको, और वहीं से इकोनॉमिक ग्रो हुई इसकी ज़्यादा। ठीक है, यूएसए ने दोबारा से हाथ मिलाया, और बाद में जो है यूएसए के साथ मिलाने के बाद भी और ज़्यादा इसकी पूंजी बढ़ी, और यहाँ पर जो है काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। और अब ये यूएस को पिछाड़ देगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएसए की, लेकिन 50-40 तक जो है ये इसको क्या कर देगा, पीछे छोड़ देगा, नंबर वन बन जाएगा इकोनॉमी में चाइना यूएस को पीछे करके। ठीक है, चलो ये है ईस्ट एशियन ग्रोथ, यानी कि चाइना की ग्रोथ देख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या सीन है, कैसे हुई थी वो भी देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये रहा चाइना में ग्रोथ क्यों हुई, दिखा रहे स्ट्रेंथ क्या है इसकी, स्ट्रेंथ है इसकी इकोनॉमी, इकोनॉमी तो अब बनी है, लेकिन क्या है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जैसे हमारी है, लैंड है जैसे हमारे पास है, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे इसके पास भी है, रीजनल लोकेशन बहुत बढ़िया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, तो ये पावर दिखा रखी इसकी, सेम हमारे जैसी हालत है, लेकिन ये अपने इंटरनल मैटर पे, इंटरनल अपने जो यहाँ पर रिसोर्सेज थे उनको इसने मजबूत किया, उनसे बनाया है, किसी और के भरोसे नहीं रहा, और हम दूसरे के भरोसे रहे, यही हमारी पॉलिसी में फ़र्क है चाइना के साथ। ठीक है, इन्होंने इंटरनल इश्यूज पे ध्यान दिया, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे ध्यान दिया, अपना खुद का काम चलाया, आत्मनिर्भर कहा, सेल्फ इसमें क्या रहा, यहाँ पे कमिटमेंट किया और पूरा किया उसको। हम बाहर के रहे कि हम बाहर से ये ले लेंगे, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, अपने पास बहुत कुछ था। आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द पीपल्स डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक चाइना, देखो यहाँ पे है 49 में ये क्या हुआ, एक रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, इसका लीडर था माओ, नाम ध्यान में, माओ कौन था, माओ। ठीक है ना, तो माओ को फॉलो करने वाले रहते हैं माओस्ट, वो इंडिया में भी शामिल हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो माओ को फॉलो करते हैं। माओ चाइना का था, इसने यहाँ पर रेवोल्यूशन कराया, कम्युनिस्ट था ये, वन पार्टी सिस्टम बनाया, और स्टार्टिंग में इसने जहाँ पे आर्मी बना के यहाँ पे क्या किया था, विद्रोह किया था, रिवोल्ट किया था बड़ा, और अपनी जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का निर्माण किया था, फॉर्मेशन किया था। चाइना का पूरा नाम क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये है नाम चाइना का पूरा, देखो ये बड़ा पता आपको। ठीक है, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का निर्माण किया, फॉर्मेशन किया माओ ने। माओ बड़ा खतरनाक था, इसने आर्मी बनाई थी अपनी, और क्या किया, रिवोल्ट किया, ये बनाया सोवियत मॉडल को अपनाया इसने इकोनॉमिक में, देखो दे रखा, इकोनॉमिक वाज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल, इकोनॉमिकल बैकवर्ड था कम्युनिस्ट चाइना, क्या किया गया, ये अपने जो है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से अपने लिंक तोड़ देगा पहले तो, क्योंकि दोनों आइडियोलॉजी अलग अलग थी उस टाइम पर, तो था ना वो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की बात है, कोल्ड वॉर में तो वो यूएसएसआर ठीक था उस टाइम पे, बाद में वो भी टूट के जो है कैपिटलिस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा चाइना, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से अपना रिलेशन तोड़ देता है, लेकिन पिछड़ जाता है, बाद में थोड़े से रिफॉर्म करेंगे तब सुधरेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, काम करना शुरू कर देगा, लेकिन इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है, जब मॉडल उसने सोवियत वाला किया था वो इतना सफल यहाँ पर नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो अपने एग्रीकल्चर है उसमें से काम चलाना शुरू किया, और बाद में जो है इंडस्ट्री पर ध्यान देना शुरू किया। तब देखते हैं इसने कौन कौन से ऐसे सिस्टम बनाए, देखो द मॉडल अलाउड चाइना टू यूज द एस्टैब्लिश द फाउंडेशन द इंडस्ट्री इकोनॉमी स्केल्ड बिफोर,
इम्प्लॉयमेंट सोशल वेलफेयर वॉज एश्योर्ड, ये की इसने बढ़िया चीज़ें की। चाइना मूव्ड अहेड द डेवलपिंग कंट्रीज द एजुकेशन सिस्टम इंश्योरिंग बेटर हेल्थ। तो यहाँ पर जो दिखा रखा है चाइना ने जो मॉडल अपनाया उसके बाद हालत सुधर गई, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हुई, वेलफेयर हुआ, बहुत सारा काम, हेल्थ वगैरह, एजुकेशन बढ़िया हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई 5% की, 2-3% तक पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन इसको भी कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, जो ये पॉपुलेशन बढ़ रही थी इसको कंट्रोल करने की पॉलिसी बनाई, क्या वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी इसने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा ये, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ही कम था यहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो सिस्टम क्या हो गया यहाँ पर अभी, तो इसने रिफॉर्म करने पड़ेंगे, और रिफॉर्म कब किए किसने की वो देखते हैं, उसी से इसका विकास होता है। अब देख लो यहाँ पे क्या है, दिखा रखा है जैसे यूएसएसआर में हालत थे, क्रसेस थे, वैसे यहाँ पे हो गए थे, लेकिन इससे उभर जाएगा कब, देखो ये पॉलिसी है, ये करेगा। चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजन, ये है मेन पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, यह उठाना है 70 में पॉलिसी चेंज करेंगे, मेजर डिसीजन उठाए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द इस्टेब्लिश ऑफ रिलेशन विद द यूएस 72। ये क्वेश्चन आता है, चाइना ने यूएस से अपने रिलेशन दोबारा से कब मेंटेन किए, कब किए 72 में किए थे, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ का जो प्रेमर था उसका नाम था एनलाई, जो एनलाई वो क्या करेगा वहाँ पर 4 मॉडल्स करेगा, कौन से। ठीक है, तो यहाँ पे करेगा एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, साइंस टेक में, 4 तरीके से यहाँ पर जो है अपने जो है इनको क्या बना देगा, मॉडर्न बना देगा चीज़ों को, एग्रीकल्चर को निजीकरण कर देगा, पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारी चीज़ें देखो ध्यान दो, लेकिन टेक्नोलॉजी पर ध्यान देगा, उसको इंडस्ट्री में लगाएगा, एग्री में लगाएगा, बाहर से इन्वेस्ट लेगा क्योंकि यूएसए हाथ में ला लिया, लेकिन ओपनने की पॉलिसी ध्यान रखना, केवल कुछ पोर्ट खोलेगा, कुछ पॉइंट बनाएगा वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करेगा तो चाइना के ही बेस पे किया जाएगा सारा सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग होगा। 78 में क्या होगा, एक और लीडर होगा डेंग, डेंग क्या करता है, डेंग अनाउंस करेगा ओपन डोर पॉलिसी, ध्यान देना। ये थी पॉलिसी किस चीज़ की, यूएस के साथ रिलेशन दोबारा से सुधारने की 72 में, ध्यान देना। और जो एनलाई है, जो एनलाई वो मॉडर्न बनाएगा चाइना को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, साइंस टेक को। इसके बाद जो है एक और आएगा डेंग, डेंग क्या करेगा 78 में एक पॉलिसी बनाएगा, ओपन डोर पॉलिसी कहते हैं इसको, ये अनाउंस कर देगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म करेगा चाइना के अंदर। ठीक है, इससे क्या बढ़ेगा, इससे जनरेट होगी हायर प्रोडक्टिविटी, बढ़ जाएगी इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल और टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो टेक्नोलॉजी आएगी, पैसा आएगा, उसको एग्रीकल्चर में लगाएंगे। हमने कहाँ लगाया था, इंडस्ट्री में लगाया था, हमारी यही बोल रही थी, बेस क्या होता है इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर होती है, ध्यान रखना, तभी प्रोडक्टिव बढ़ेगी, तभी तो चीज़ें बनेगी। तो लोकल में तो क्या हो गई, रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, और शहरों में जो है लोग काम के लिए आगे प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, इसलिए हमारे इंडिया सब ऐसे स्टार्टिंग में काम नहीं कर पाया। चाइना फॉलो इस ओन पथ, इसने अपना खुद का रास्ता तैयार किया, ध्यान रखना, ओपन डोर जरूर किया है, इन्वेस्टमेंट मंगवाई है, टेक्नोलॉजी मंगवाई, लेकिन खुद का रास्ता बनाया इसने, ऐसा नहीं कि उसके प्रेशर में इसने कुछ कर लिया हो, ओपन डोर जरूर किया, लेकिन कुछ एरिया में करेगा, ध्यान रखना। ऑन पथ इन इंट्रोड्यूस मार्केट इकोनॉमी, अपनी मार्केट की इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे अपना रास्ता अपनाया, उसने शॉक थेरेपी को नहीं बनाया, डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी, जैसा कि वहाँ यूएसए में तो वैसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे इसने क्या किया, ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप, ध्यान रखना, वहाँ पे क्या था, शॉक थेरेपी थी, एकदम से ओपन कर दिया सब कुछ, प्राइवेट बेच दिया सेल लगा दी, यहाँ पे क्या किया, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काम किया, ये डिफरेंस था, यूएसएसआर फेल हुआ और ये पास हुआ सेम पॉलिसी के थ्रू। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्राइवेट किया गया एग्रीकल्चर को 82 में, ध्यान रखना, ओपन डोर पॉलिसी पहले हुई है 78 में, उसके बाद एग्रीकल्चर में क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे, बेचेंगे इसको भी। ठीक है, वह प्राइवेट जो है किसान या जमींदार बन सकते हैं, पहले केवल गवर्नमेंट कंट्रोल किया करती, वाज फॉलो बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, इसके बाद 88 में क्या किया, इंडस्ट्री को भी अपने क्या ध्यान दो, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चल रहा है, सबसे पहले एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया। ठीक है, किसी को फैक्ट्री लगाने दी प्राइवेट है, उसने कहा पहले एग्रीकल्चर में करो भाई इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी, क्योंकि वहाँ रूरल एरिया में डेवलपमेंट होगी, प्रोडक्टिव बढ़ी हुएगी, तभी तो इंडस्ट्री चलेंगी, तो ध्यान दिया ग्रामीण एरिया पे पहले, यही देना चाहिए था, हमने भी
दूसरा किया इंडस्ट्री को बाद में, ठीक है ना, देखो यहाँ पर 6 साल के बाद गया, फिर ट्रेड बैरियर जो थे उनको खत्म कर दिया। क्यों? जब एग्रीकल्चर मजबूत होगी और बाद में इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इंडस्ट्री मजबूत होगी तो ट्रेड नहीं बढ़ेगा, ध्यान देना, तो ट्रेडिंग तो तभी बढ़ेगी जब कुछ होगा बेचने का, तो यहाँ पर सामान है बेचने के लिए, और ट्रेड के बैरियर को भी हटा देगा धीरे धीरे कि अब कर लो व्यापार, हमने ट्रेड बैरियर हटा दिए हैं, लेकिन कुछ एरिया में हटाए हैं, सब में नहीं। और कौन से? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं जहाँ पे हटाए हैं, ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज कहते हैं उसको, इंडिया में भी है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, केवल यहीं पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। मान लो एक एरिया बना दे एनसीआर दिल्ली के आसपास का, वहीं पे इन्वेस्ट करो, है ना भाई, सारी इंडस्ट्री वहीं लगेंगी, सारे ट्रेडिंग वहीं पे सेंटर होंगे, जैसे कि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है यहाँ पे, और उधर देखो नोएडा में बड़े अच्छे हुए हैं, गुड़गांव में बड़े अच्छे हैं, दिल्ली में हैं, बहादुरगढ़ में हैं, फरीदाबाद में, सभी इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई हैं, एजुकेशन हब है, हेल्थ हब है, सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ही जो बना रखा है ये फॉरेन इन्वेस्टर कुड सेटअप है इंटरप्राइजेस, कहाँ पे करेंगे? सेज में, भाई जो बाहर से पैसा आएगा फॉरेन से ही, उसको बोलते हैं एफडीआई। फॉरेन से जो इन्वेस्टर आएंगे उनको केवल एक जगह देंगे हम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के, वहीं इंडस्ट्री लगानी सबने, कहीं कहोगे हम तो वहां लगाएंगे वहां लगाएंगे, तो एक ही जगह दे दी, उसको बोलते हैं सेज, ठीक है। इन चाइना द स्टेट प्लेड एंड कंटिन्यूस ए प्ले सेंट्रल रोल सेटिंग ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। अब ध्यान देना, इन सब कुछ मार्केट पर नहीं छोड़ा, इसने गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंट्रोल भी किया, स्टेट प्लेड रोल कंटिन्यू, कैसा रोल प्ले किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ, किया कंट्रोल करने, किसको? जब मार्केट की इकोनॉमी थी ना, उसको कंट्रोल करने में, कंटिन्यू करने में जो है स्टेट का रोल रहा, ठीक है। ध्यान रखते रही गवर्नमेंट की हो क्या रहा है, जो पॉलिसी बनाई है सब फीडबैक लेते रहे, हो भी रहा नहीं हो रहा है, जो एफडीआई आई है सब कुछ निकला भी नहीं निकला है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, तो मार्केट पे भरोसा नहीं रहे, मार्केट की इकोनॉमी कंट्रोल करके रखा कि कुछ गलत होगा तभी रोक देंगे एफडीआई को, ठीक है। तो ये देखो कितना अच्छा पॉइंट यहाँ पे बनाया उन्होंने, बढ़िया काम किया, ठीक है। तो यहाँ चाइना की तारीफ होनी चाहिए जरूर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हेल्प है, क्या हेल्प हुई? चाइनीज इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम सेग्रेशन, जो यहाँ पर इकोनॉमी रुकी हुई थी वो क्या हो गई? अब टूट गई और आगे बढ़ गई, उस हर्डल्स को तोड़ दिया, जो यहाँ पर रुकावट थी तोड़ के उसको आगे निकल गई, यानी कि ग्रोथ हो गई इकोनॉमी की, क्योंकि प्राइवेट लोग एग्रीकल्चर से क्या हुआ, प्राइवेट करने से क्या हुआ खेती बाड़ी को, अगर आप एग्रीकल्चर को शुरू में इन्वेस्ट कराओगे, टेक्नोलॉजी लाओगे, इरिगेशन दोगे, खाद होगा, सीड्स होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे, बिजनेसमैन आएंगे एग्रीकल्चर में, तो क्या हो जाएगा उससे? उससे होगा राइज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी, रूरल की इनकम बढ़ जाएंगी, वो लोग शहर में नहीं भागेंगे, ठीक है, जॉब के लिए। तो पहली जॉब कहाँ थी? गाँव में, गांव से स्टार्टिंग की, रूरल से हमने यहाँ पे पिछड़ गए थे हम, तो मेन बेस तो ये होता है ना, क्योंकि 80% पॉपुलेशन इस पर डिपेंड कर रही थी उस टाइम पे हमारी, 80 क्या 90 कर रही थी उस टाइम पे हमारी, और ऐसे चाइना ही कर रही थी, तो उनको यहाँ पर रूरल इनकम बढ़ा दी, तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं आया, ना ही वो शहरों की ओर भागे जॉब के लिए, जॉब के लिए, जॉब के लिए, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में हो रहा है, छोटे छोटे के लोग गाँव वो शहरों में भागे भागे जॉब के लिए भाग रहे हैं बच्चे, तो ये सब नहीं हुआ। वहीं गांव में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, वहीं पे फैक्ट्री लगा दी कि आपका जो है धान अच्छा हुआ है, वेट अच्छा हुआ है, गन्ना अच्छा हुआ है, शुगर फैक्ट्री लगा लो, बिस्किट बना लो, छोटे मोटे जो है यहीं पे सामान इंडस्ट्री लगा दी, लोन दे के, ठीक है, ये काम किया। अब क्या है, पर्सनल सेविंग जो है रूरल इकोनॉमी की बढ़ गई यहाँ पे, वो क्या करेंगे आगे? रूरल इंडस्ट्री का ग्रोथ करेंगे, जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बेस क्या है, एग्रीकल्चर से ही बनता है सब कुछ, इंडस्ट्री भी, ठीक है, जो हम कपड़ा पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, सब एग्रीकल्चर से आता है, तो वही नहीं रहेगा सेव, या वही प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो इंडस्ट्री चलेंगी कैसे, शहर कैसे बसेंगे? तो ये रूरल इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ, रूरल इंडस्ट्री लगाई गई छोटी छोटी यहाँ पे, चाइनीज इकोनॉमी यहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर बढ़ गया, देखो दोनों काम हो गए ना, एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री भी साथ साथ ग्रो कर रही है, हमारे यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ही बिछड़ गए, ना उस पर ध्यान दिया गया ना उस पर, फास्ट रेट ग्रो एट ए फास्ट रेट, बहुत तेज से बढ़े, और यहाँ पर ट्रेडिंग लो कम कर दिए, ध्यान देना, बैरियर तोड़ दिए,
कृष्णा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, वहाँ से क्या हुआ फिर एक नया फॉरेन ट्रेड की जो है यहाँ पे एक माहौल बना कि चाइना में लगाओ भाई, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है, और प्रॉफिट भी है अपने उस पर दे रहा है, अपने नियमों पे चाइना कंट्रोल करके रखा हुआ है अभी भी कि तुम लगाओ इतना इतना तुम्हें मिलेगा, बाकी हमारा रहेगा, ठीक है। और वहाँ लगाने भाई गांव के एरिया में, चाइना हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सारे जो दुनिया है चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए आ गई, बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया, बहुत प्रॉफिट हुआ, और इसके पास इतनी करेंसी आ गई फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कि अब ये बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चाइना क्या कर रहे हैं, कहीं देख लो पूरे वर्ल्ड में चाइनीज कंपनी अब फैल गई है, इन्वेस्ट कर करके प्रॉफिट कमा रही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, अफ्रीकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री, वहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ये अब चाइना आगे निकलेगा किससे, यूएसए से, क्योंकि यूएसए तो अब डाउन में है और ये उभर में है। ये कार्टून कह रहा है क्या, ये था माओ, ये इसकी रेड डायरी है, यानी कि ये कम्युनिस्ट पार्टी का निशान है रेड, और यहाँ जो डायरी है इसकी, और जो है माओ की लिटिल रेड बुक कहते हैं इसको, इसमें इसके रूल थे। और ये है अब वाला, इसने केवल लाल टाई पहननी है, रेड बुक छोड़ दी है, यानी कि रिफॉर्म कर दिए इसने, ठीक है। इसने क्या किया था, माओ ने अपने संबंध बिगाड़ दिए थे, बंद कर लिए, क्लोज कर लिए थे, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज से। इसने क्या किया, अपने संबंध को ओपन किया था, ठीक है, हूँ चिंताओ को चिंताओ, कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई, ये है साइकिल, ये दिखा रखा है चाइना की दोहरी जो पॉलिसी है। एक तरफ तो ये कम्युनिस्ट बना हुआ है अभी भी, सिंगल पार्टी सिस्टम है, कोई और पार्टी यहाँ पे है नहीं, इलेक्शन वगैरह कुछ ना होता, ना किसी को राइट्स मिले होते, कोई खिलाफ बोले गवर्नमेंट के उसको पकड़ के डाल देती है जेल में, बोल के दिखा काम करना पड़ेगा तो खाना मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा बेटा। तो ये है चाइना का पुराना रेड वाला रोल जो था कम्युनिस्ट सिस्टम। और ये देखो डॉलर, यानी कि इकोनॉमी को अपना ओपन भी कर रखा है, यानी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट दोनों को अपना रखा है चाइना ने। ऐसे साइकिल बना गई, रेल बना दी साइकिल की, बहुत तेजी से चलती साइकिल की, यानी कि बहुत ग्रो किया इसने इस थ्योरी को अपना कर डबल स्टैंडर्ड वाली को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखो, ये हमने देखा चाइना ने कैसे रिफॉर्म किया, अब देखना है चाइना WTO में कब आया, ये क्वेश्चन आता है। चाइना शामिल हुआ WTO में इन 2001 में, ठीक है। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें शामिल हुआ 2001 में शामिल हुआ, पहले नहीं हुआ, पहले अपने को मजबूत किया कि कुछ बना तो लें जो वर्ल्ड ट्रेडिंग में बेचने के लायक हो, ठीक है ना, तभी शामिल होंगे WTO में, अब भी शामिल हो गया है, ठीक है। ये पॉलिसी बनाती है ट्रेडिंग के लिए वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये संस्था इसमें शामिल हो गया पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि बहुत माल है बेचने के लिए। अब है चाइनीज इकोनॉमी को हमने पढ़ लिया कैसे चेंज हुई, लेकिन यहाँ पर दिखा रखा है कि बेनिफिट तो हुआ लेकिन सबको नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ भाई 10 लाख लोग लगभग यहाँ पे क्या है बेरोजगार घूम रहे हैं, अभी भी कह रहा है शहरों में होंगे वो थोड़ा सा, और कंडीशन जो है यहाँ पर वर्क की बैड है, जैसे यूरोप में हुआ करती, तो चाइना है ये वन पार्टी सिस्टम है, ये किसी को बोल नहीं देता, ठीक है। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी दे रखे हैं कि हुआ, लेकिन वो तो होता ही हर जगह। रिजनली ग्लोबली क्या है, चाइना हैज बिकम इकोनॉमिक पावर, अब ये क्या है आसपास के एरिया में तो है ही, ग्लोबल लेवल पर चाइना इकोनॉमिक पावर बन चुका है, सबसे बड़ी पावर बनने वाला है। अब ध्यान देना यहाँ पर जो चाइना है ये सबको प्रभावित कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सभी इश्यू को। UN में देखा होगा आपने कैसे इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, साउथ ईस्ट एशिया में इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो हर जगह इंटरफेयर इसका बढ़ गया है अब आने वाले टाइम में, और ताइवान पे आपने देखा होगा, वियतनाम पे इसका पूरा कंट्रोल यहाँ पे अभी है, पिछले महीने यहाँ पे रिवोल्ट भी हुआ था ताइवान में चाइनीज के खिलाफ, क्योंकि इसके कंट्रोल में है ये, जैसे तिब्बत है। तो जो है चाइना का जो बढ़ती पावर से फियर भी है कई आसियान कंट्री इकोनॉमी को या वर्ल्ड को, UN ऐसा जो है ये तो अपनी ताकत दिखाएगा। अब हम देखेंगे इसको हमारा रिलेशन कैसे है चाइना से, ठीक है। ये दिखा रखा है लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में जो है प्रोजेक्ट चला रहा है कौन है, ग्लोबल प्लेयर ग्रुप में चाइना, ठीक है। चाइना अपने प्रोजेक्ट चला रहा है, अमेरिका अफ्रीका में चला रहा है।
अब देख लो इंडिया के चाइना के रिलेशन कैसे हैं, हमने पढ़ लिए, आगे भी आएंगे ये चैप्टर में इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन कैसे हैं, उसमें चाइना का नंबर आएगा। तो चाइना पहले जो है दोनों सुपर पावर थे, देखा रखा है इंडिया एंड चाइना वर ग्रेट पावर इन एशिया, पहले क्या था बहुत बड़ी पावर थी इंडिया और चाइना एशिया की, अभी भी आगे यही बनेंगी। ठीक है, दोनों ने क्या किया, जैसे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म पहले पावरफुल थी, इन्होंने भी अपने इन्फ्लुएंस किया, हिजबनी दिखाई थी पहले इंडिया चाइना ने कहाँ कहाँ पे अपने आसपास के एरिया में, जैसे कि मंगोलिया में चाइना ने किया, कोरिया में किया, इंडो चाइना में, तिब्बत में किया, और हमने भी किया था बहुत सारे एरिया में, कहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में हमारे पार्ट हुआ करते, मलेशिया थाईलैंड सिंगापुर सब पे हमारा अधिकार था पहले। ठीक है, तो ये था, आगे देखते हैं इसमें कि जो नई है, ये तो पुरानी बातें रखी, नई वाली क्या है। जैसे ही इंडिया से अलग हुआ, एक तो इंडिया ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, चाइना भी जो है अलग हुआ, ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, माओ ने करवाया था रिवोल्ट करके, तो दोनों बीच में थोड़ा सा ठीक हुआ, सेफ होगा, फ्यूचर देख रहे हैं भाई कैसा बनाएं, हम दोनों डेवलप करेंगे। तो हिंदी चनी भाई भाई का नारा दिया गया था यहाँ पे, हिंदी चनी भाई भाई का नारा दिया गया था, पॉपुलर हुआ था, लेकिन बाद में अटैक कर दिया चाइना इंडिया पे 62 में, इसके बाद थोड़े संबंध बिगड़ जाएंगे, हमने संभाल के खेलना पड़ेगा इसके साथ, कि बड़ा खतरनाक है, एक तरफ कर रहा है हिंदी चनी भाई भाई, दूसरी तरफ अटैक कर रहा है हमारे ऊपर, तो दो जगह अटैक करेगा, हमारे डिस्प्यूट होंगे बॉर्डर को लेकर, एक होगा हमारा लद्दाख से, अक्साई चीन इसके पार्ट बन गया है, इसने कब्जा कर रखा है, जैसे पाकिस्तान ने कर रखा है पीओके पे, ऐसे ही चाइना ने लद्दाख के एक पार्ट पे अक्साई चीन पे कब्जा कर रखा है, और सेकंड है हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे भी इसने कुछ पार्ट पे अधिकार कर रखा है। तो दो जगह से इन्होंने अटैक किया था, और बाद में जो है तिब्बत को टेक ओवर कर लिया चाइना ने 1950 में, इससे हमारे रिलेशन खराब हुए, क्योंकि यहाँ का तिब्बत का जो रीजनल क्या था, वो रिलीजियस लीडर था दलाई लामा, वो इंडिया में आ गया शरण लेने के लिए, हमने दे दी इसको शरण, थोड़ा सा हमारा डिस्प्यूट रहा इसके साथ बॉर्डर का और साथ में ये वाला, तो ये ट्रैक अटैक भी हुआ। ये दो एरिया है देखो, अक्साई चीन लद्दाख वाला और ये वाला। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए चाइना ने कहाँ पे अटैक किया, ये है चाइना एंड इंडिया और इन्वॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट है, कहाँ पे 62 में हुआ था ये वाला अटैक हमारे ऊपर, ये था वो दो एरिया लद्दाख का अक्साई चीन, ये वाला नोट कर लो अगर नहीं नोट है तो आपको। ठीक है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को। तो आगे है ये देख लो, इसमें जो है हमारे जो आपस में रिलेशन खराब हुए डिप्लोमेटिक वगैरह आपस के, लेकिन बाद में फिर से जो है हम हमारे रिलेशन जो है ठीक करेंगे, हमारे पीएम वहां जाएंगे राजीव गांधी, और वो भी यहां आएंगे। ठीक है, शी जिनपिंग बहुत बार आए हैं इंडिया में, तो हमारे रिलेशन जो है ठीक बढ़ रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक बेस्ड रिलेशन बन गए ना अब, तो हम भी बढ़ रहे हैं, वो भी बड़े बड़ी हुई पावर है, तो दोनों के हमारे बीच में जो है यहाँ पे दे रखा है ब्लैटरल होता है दो देशों के बीच में संबंध, ये रहा ब्लैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया चाइना हैज इंक्रीज हो गई हमारी। ठीक है, इतनी बन गई है, अब बहुत हमारे जो है यहाँ पर बढ़ चुकी है, यहाँ पर दोनों व्यापार के साझेदार है, इसलिए आज के रिलेशन इंडिया के सभी कंट्री से जो है किस बेस पर होते हैं, वो होते हैं इकोनॉमिक बेस पर। ठीक है, और दोनों ही इंस्टीट्यूट WTO के मेंबर हैं, और यहाँ पे इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद जो है कहा गया कि चाइना ने कर रखा इसलिए हमने भी कर दिया, फिर पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा ये, तो बहुत सारे इशू दे रखे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम हासिल करने में टेक्नोलॉजी मौजूद करवाई थी, बता रहे हैं इस तरह से कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा पाकिस्तान से न्यूक्लियर प्रोग्राम को विलुप्त करने में कॉन्ट्रीब्यूट किया था चाइना ने, ये रहा देखो। ठीक है, क्योंकि हमने किया उसके बाद तुरंत उसने कर दिया था। तो ये कुछ इश्यूज हैं हमारे आपस में जो हमने सोल्व कर दिए हैं, हमारा जो है इकोनॉमिक बेस्ड अब रिलेशन बन गए हैं चाइना से। राजीव गांधी गया था चाइना कब, 1988 में गया था, ये रहा। ठीक है, ये राजीव गांधी गया था कहाँ, चाइना, पीएम थे हमारे 88 में, ये चाइना गया, पीस एंड हमने जो यहाँ पे इक्वलिटी ट्रांस इक्वलिटी की यहाँ पे बॉर्डर की बात की थी, शांति की बात की थी, मेंटेन कर लेके गया था। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो है बड़ा है दोनों का रिलेशन ठीक हुआ है। अब हम देखते हैं ये है जापान और कोरिया ने कैसे छोटे छोटे कंट्री हैं और कितनी यहाँ पे फास्ट ग्रो की है। देखो जापान है, ये जापान की सिटी है, इनके बड़े बड़े जो हमने हमारे देशों में देखते हैं ना पैनासोनिक ब्रांड है जापान का, है कैनन है, कैमरे आते हैं, सुजुकी की गाड़ियाँ बाइक आती हैं, होंडा की आती हैं, टोटा की आती हैं, माजदा की आती हैं, सब ब्रांड किसके जापान के हैं, और वहाँ कुछ भी नहीं होता देखो, फिर भी इतनी बड़ी वहाँ पे प्रोग्रेस कर रखी है। ठीक है, तो यह है जापान के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, मेन मेन यहाँ की कंपनी दे रखी है, और ये है साउथ कोरिया, इसको बोलते हैं
मिरकल ऑफ हान रिवर, यहाँ पे एक रिवर है हान, ये दे रखी यहाँ पे, ये रही ठीक है, ये वाले रिवर है हान कोरिया में। कोरिया दो हैं एक्चुअली, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ तो पता ही आपको, वहाँ पे किंग जोन उन है, उनका डिक्टेटरशिप है वहाँ पे, वो धमकाता रहता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता रहता है। और एक है साउथ कोरिया, वो रिपब्लिक है, वो हमारे थोड़ा सा रिलेशन है हमारे उससे, ठीक है। और इसको बोलते हैं कोरिया को मिरेकल ऑफ द हान रिवर, यानी कि हान रिवर के कारण यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट हुई है, इकोनॉमिक पावर बनी है, क्योंकि मेन है इसकी लाइफ लाइन है। ओके, तो ये है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी के, इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, पहला दे रखा है फर्स्ट, इनको ऑर्डर में लगाना है, अरेंज करना है इनको टाइम के अकॉर्डिंग, पहला कब हुआ, बाद में क्या हुआ। WTO 2001 में बना था, ये 1992 में बनी थी, 92 में, और बर्थ ऑफ ARF है, ये एरिया था जो मतलब रीजनल फॉर्म बनाई थी, और एक ये था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ EEC, ठीक है। तो ये चारों में देख लेना कौन सा पहला है, ये आसियान वे है, ये आसियान वे देख लेना कौन सा इसमें क्वेश्चन बनेगा आपका। रिफ्लेक्ट स्टाइल ऑफ एशियन मेंबर, ठीक है, लाइफ स्टाइल छोड़े थे, ये आसियान वे, एशियन में क्या था, ए फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन अमंग द आसियान मेंबर, ठीक है, कोऑपरेशन पीस के लिए इंटरेक्शन करना था, ये आसियान वे, ठीक है, सेकंड वाला इसका वैसे भी। ओपन डोर किसने बनाई थी, चाइना ने बनाई थी ओपन डोर पॉलिसी। कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो है दे रखे हैं चाइना के, रेडिया के कहाँ कहाँ थे, दो जगह मैंने बताया, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये ARF के बारे में दोबारा पूछेगा, डेट पीछे लिख रखी है, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। चाइना एंटर्ड इनटू बिलैटरल रिलेशन विद USA 72 में किया था, ये दूसरा प्लान है, मास्टर प्लान के द्वारा जो है यूरोपियन यूनियन बनाई गई थी 1948 में, मास्टर प्लान का दिखा रखा है। अगला भी दिखा रखा है कि आसियान जो है वो क्या है, डील कर रहा है सिक्योरिटी के साथ, ये आसियान वे में है चीजें। तो ये इसको देख लो एक बार, क्वेश्चंस को बड़े वाले में डाल दूंगा, किस में, PDF में। थैंक यू।